पिंगौरी ब्लॉक के भजिया ग्राम में गांधी चौपाल एवं वीर बिरसा मुंडा जयंती में पधारे छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद नकुलनाथ का नगर कांग्रेस सिंगौरी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बड़े गांव खामी हीरा यूथ कांग्रेस सेवा दल NSUI कामगार कांग्रेस महिला कांग्रेस द्वारा आतिशबाजी गाजे बाजे के साथ किया गया भव्य स्वागत। श्री नकुलनाथ की सभा में उमड़ा जनसैलाब। श्री नकुलनाथ ने मंच के माध्यम से किया जनता का संबोधन। बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा को सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देश को कंगाल कर गर्त में धकेला है। भाजपा सरकार ने केवल सत्ता पाने के लिए झूठ बेईमानी और प्रलोभन का सहारा लिया जिससे देश की जनता इनके छन चाल का शिकार हो गई है। परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं आज देश इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है कि वर्षों में भी इसे वापस लाना मुश्किल ही होगा। उक्त आरोप लगाते हुए छिंदवाड़ा जिले के लाडले सांसद नकुलनाथ ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। सुरसा के मुंह की भांति दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। एक तरफ आमजन रोजगार को लेकर परेशान है तो वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि से आमजन परेशान है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम जनता को जीने नहीं दे रहे हैं। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर भी उपस्थित जन समुदाय को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। नगर कांग्रेस सिंगौड़ी के अध्यक्ष विनोद सिंगारे एडवोकेट एवं NSUI के समन्वयक स्वयं जैन युवा नेता जुनेद मिस्किनी सैफ अली नावेद भाई सिहल राज जैन मुस्तकीम खान के सहयोग से लगभग 40 युवाओं ने आज सांसद नकुलनाथ के सामने BJP को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। बड़ी संख्या में कांग्रेसी सक्रिय कार्यकर्ता सभा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ डॉक्टर उमेश शर्मा पर्यवेक्षक प्रवल सक्सेना राजू शुक्ला रामाधार पटेल घनश्याम पटेल सांसद प्रतिनिधि अशरफ भाई कोमल बेलवंशी राजेश पटेल संजय ठाकुर संतोष पटेल विनोद पटेल धीरज मालवीय वसीम भाई नदीम भाई कमल उइके बंटी भारती मूरत नागवंशी आदित्य पटेल गज्जू सुनील टेकरे एवं क्षेत्रीय कांग्रेसी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सिंगौड़ी से जिब्राइल अंसारी की रिपोर्ट। बहुत समस्या हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? गडकरी जी को चिट्ठी लिखूंगा। किसानों को रात में बिजली मिल रही है, रात में किसान पानी बगाने जाता है, उससे बहुत समस्या है। देखिए, तो भाजपा सरकार है, उन्होंने शिवराज सिंह अपने आप को किसान का बेटा बताती है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय हमारे किसानों को। बाबा इसी पलटवाड़ा रोड का काम भी बहुत सालों से चल रहा है, जिससे भी किसानों को गन्ना ले जाने में भी अधिक समस्या बनी हुई है। मुझे उसकी भी जानकारी है, वो चिट्ठी भी मैं गडकरी साहब को जल्दी लिखूंगा। ठीक, चलिए।